Next question. Question says a positively charged ball hangs from a cell thread. If we put a positive test charge Q0 at a point and measures F by Q0, then it can be predicted that the electric field strength E is slightly greater than F by Q0 equal to F by Q0 less than F by Q0 या फिर cannot be estimated. Now, again basics पे सवाल है. सवाल ये है कि आपकी एक पॉजिटिवली चार्ज बॉल है, वो उसको हमने एक सेल थ्रेड से यहाँ पे हैंग किया है. तो ये आपकी पॉजिटिव बॉल है, इसके ऊपर आपका प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज, और इसको हमने यहाँ पे सेल थ्रेड से हैंग कर रखा है. अब हम यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज लेके गए, यहाँ पे हमने एक छोटा सा टेस्ट चार्ज रखा है Q0, और यहाँ पे हमने मेजर किया कि इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, और हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डेफिनेशन हमें पता है कि F by Q0 होती है. तो हम इसकी कैलकुलेशन नॉर्मली जब हमें करनी होती है ऐसे कर लेते हैं. अब ये थ्योरेटिकल सवाल ये है कि यहाँ पे पूछा गया है कि जो आपकी F की वैल्यू आई है उसको जब आप Q0 से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू यहाँ पर जो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा. नाउ सिंपल सी बात यह है कि जब आपने यहाँ पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है तो इस वाले पे आपके क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की एफिनिटी इससे, तो अब पॉजिटिव चार्ज आपका हल्का सा डिस्ट्रीब्यूट इस तरह से हो जाएगा कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे. सो पॉजिटिव चार्ज जो इसके ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज था वो इस डायरेक्शन में ज़्यादा मूव कर जाएगा, एंड हेंस जो आपका आर है डिस्टेंस है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा आपके उसकी वजह से. तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि आपकी जो वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो आपने F मेजर किया है उसकी वैल्यू, क्योंकि आपका Q हल्का सा बढ़ गया है तो उसकी वैल्यू, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी. जो अगर टेस्ट चार्ज नहीं लेके आते हैं उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होती, अब टेस्ट चार्ज लेके जो हम मेजर कर रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी स्लाइटली ग्रेटर देन F by Q0 बिकॉज यहाँ पे F की वैल्यू थोड़ी सी कम आई है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपने F की जो वैल्यू निकाली है F K Q Q/R², इस R की वैल्यू क्योंकि थोड़ी सी बढ़ गई इसलिए F की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी जो हमने यहाँ से मेजर की, एंड हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्चुअली इसके बिना हो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी जो आपने मेजर किया है उससे. सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए वुड बी द राइट आंसर.